नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा सम और विषम राशियां कौन कौन सी होती है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, सम और विषम राशियां कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां इनको लिया जाता है। अब 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं, पहले मैं ये बता देता हूं आपको। और जो ये 12 राशियां हैं, ये बिल्कुल सीक्वेंस से चलती हैं, आगे पीछे नहीं चलती, क्रम से बिल्कुल चलती हैं। जैसे एक नंबर अगर लिखा है कहीं कुंडली में, एक नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो मेष राशि है, तो ये क्रम से चलती है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, एक नंबर की जो राशि होती है मेष राशि, दो नंबर की वृष, तीन की मिथुन, चार की कर्क, पाँच के सिंह, छः की कन्या, सात की तुला, आठ की वृश्चिक, नौ की धनु, 10 की मकर, 11 की कुंभ और 12 नंबर की जो राशि होती है वो मीन राशि होती है। अब दोस्तों, इसमें सम राशियां कौन कौन सी होती हैं। जो सम नंबर की राशियां हैं, जैसे 2, 4, 6, अब जैसे सबसे पहले सम राशियों के बारे में बताता हूँ आपको। तो 2 नंबर की राशि वृष राशि, 4 नंबर की राशि कर्क राशि, 6 नंबर की राशि कन्या राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, 10 नंबर की राशि मकर राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि। तो ये है सम राशियां। अब विषम राशि की बात करते हैं, तो 1 नंबर की राशि मेष राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 5 नंबर की राशि सिंह राशि, 7 नंबर की राशि तुला राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि और 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। तो ये हैं विषम राशियां। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।